मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, कई राउंड फायरिंग की सूचना, एक युवक को लगी गोली, बवाल में अन्य कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट कर ताबड़तोड़ फायरिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और जांच में जुटी है। पुलिस नॉनवेज होटल संचालक से एक पक्ष के युवक का हुआ था विवाद, बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के पल्लेदार मोहल्ले के पास की घटना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। यहाँ कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं ये होटल चला दूँ, दानिश होटल हमारा है। क्या घटना हुई होटल पे तुम्हारे? घटना ये हुई, हमारे यहाँ प्रशासन ने बंद करवा रखा है मीट। हाँ, प्रशासन ने मीट बंद करवा रखा है, तो उसके लिए हमारे पास आया, बोलने लगा हमें 1 किलो मीट दे दो। हम कहने लगे सर मीट नहीं है, प्रशासन ने बंद करवा रखा, तो उन्होंने गाली गलौज करनी चालू कर दी। फिर क्या हुआ? गाली गलौज करने हम कहने लगा कि आप जो है अभी मैं आ रहा हूँ, अभी तुम्हें बताता हूँ तुम्हें। कितने लोग थे वो? 60 से 65 लोग थे। क्या करके गए वो? हथियार थे सबके पास, 30 से 35 राउंड फायरिंग करी है उन्होंने। हमारे भाई के भी गोली लगी। और आप होटल में? नाम है भाई का? भाई का नाम अतीक है, अतीक अहमद।